हमारे साहब आकर इनवाइट किए थे और बोले थे कि हमारे बच्चों से कुछ बातें आप कर सकते हैं, तो मुझे काफी उत्साह हुआ था कि कितने बच्चे होंगे, किस उम्र के होंगे और उनकी हमारी क्या क्या हमसे क्या अपेक्षाएं होंगी, इस विषय में मैंने जानना चाहा। तो उन्होंने बोला कि ये स्टूडेंट्स हैं और कॉम्पिटिशन वगैरह की पढ़ाई कर रहे हैं और सब यंग लोग हैं, तो मुझे लगा कि ये मेरा राष्ट्र धर्म है, ये कर्तव्य है कि मैं आपसे मुखातिब हूँ, मैं आपसे कुछ बातें करूँ और अपने अनुभव के आलोक में कुछ ऐसे बातें कहें जो शायद आप पहले भी सुन चुके होंगे विभिन्न वाक्याओं में। मैं उन्होंने जो मेरा परिचय दिया, ऐसा कोई मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं आपकी तरह साधारण आदमी हूँ। हाँ, ये बात जरूर अलग है और लोगों से कि मैं अपने काम बहुत ही निष्ठा से करता हूँ और उसके बारे में मैं आपको अगले आधे घंटे में कुछ कुछ बातें मैं आपको सुबह में जगह था 4 बजे सुबह मेरी दिनचर्या शुरू हो जाती है, 4 बजे सुबह चलता हूँ, फिर कुछ योग करता हूँ, फिर हमारी म्यूजिक टीचर वो आती हैं, 1 घंटा म्यूजिक सीखता हूँ, हारमोनियम जाता हूँ, फिर टेनिस खेलने जाता हूँ और फिर इनका फोन आया कि 9 बजे आ जाना है, तो देर हो गया, 9:30 बजे आया, इसके लिए शौक कर रहा हूँ। तो मैं आपको कुछ बोलने के पहले एक छोटा सा वाक्य सुनाना चाहता हूँ। एक स्कूल था और स्कूल के बगल में एक बलून वाला जो गुब्बारे बेचता है वो गुब्बारे बेचा करता था। तो रोज दिन जब टिफिन होता था, लंच ब्रेक होता था, तो बच्चे बाहर आते थे और उनको जो गुब्बारे पसंद होते थे वो खरीद कर खेलते थे उससे। इस तरह से ये गुब्बारे वाला अपना जीवन उपार्जन वो करता था, इस तरह से वो सालों साल ऐसे ही करता था। उसके पास रंग बिरंगे गुब्बारे होते थे, लाल, पीला, नीला, नारंगी, हरा, सतरंगी गुब्बारे रहते थे। तो जब भी उसका बलून का जो सेल है वो कम हो जाता था तो वो क्या करता था कि एक बलून को हवा में छोड़ देता था। तो हवा में जब बलून जाता था तो बच्चों की उत्सुकता जागृत होती थी और वो दौड़ के अपने पिताजी या अभिभावक के पास जाके बोलते थे मुझे वो बलून चाहिए, तो उससे उसकी बलून की बिक्री बढ़ जाती थी। तो एक दिन एक छोटा सा अश्वेत बच्चा, एक बच्चा जिसका रंग बहुत सांवला था, वो उस गुब्बारे वाले के पास आया और बोला, अंकल ये बताइए आपके पास हर रंग के हर प्रकार के गुब्बारे हैं और हर गुब्बारे को आप आसमान में छोड़ते हैं, आपके पास काले रंग का गुब्बारा क्यों नहीं है, आप काला रंग का गुब्बारा ऊपर क्यों नहीं छोड़ते हैं। तो जो गुब्बारे वाला हमारे शॉपकीपर था वो समझ गया कि ये बच्चे का बोलने का अर्थ क्या है। उसने बोला, बहुत ध्यान से सुनिए इसमें क्या बोला, उसने बोला, बेटा गुब्बारे के रंग से नहीं, गुब्बारे के रंग से नहीं, गुब्बारे के अंदर क्या भरा है उससे गुब्बारा ऊपर जाता है। कहने का मतलब भगवान अल्लाह सबको अलग अलग रंग में बनाए हैं, हो सकता है कोई बहुत बुरा हो, हो सकता है कोई सांवला हो, थोड़ा डार्क हो, लेकिन उस चेहरे को लेकर ईश्वर ने जो चेहरा दिया है वो तो सिर्फ एक प्रतीक है, लेकिन आपके दिल के अंदर जो आस्था है, जो शक्ति है, उससे आदमी या तो धरातल में जाता है या प्रथम तल आता है या ऊपर जाता है। तो उसने एक बहुत बड़ी सीख दी कि अंदर की जो ब्यूटी है उसको जगाइए। बहुत लोग खुशकिस्मत होते हैं कि उनको भगवान ने बहुत अच्छा चेहरा देता है, लेकिन वो गलत काम करके
अपनी जिंदगी को नरक कर देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है, यही इस छोटे से वाक्य से सीख है। दूसरा चीज यह है कि चूंकि हमारे यहां हर तरह के लोग हैं, जाहिर है हर जाति के लोग भी हैं, हर जाति के स्टूडेंट्स भी हैं। इस कहानी से एक और चीज पता चलता है कि जो आत्मविश्वास होता है, जो दिल के अंदर बात होती है, जो मेहनत का की शक्ति होती है, वो किसी भी कास्ट के, किसी भी जाति के, किसी भी व्यक्ति में अलग अलग हो सकता है। इसीलिए जाति के आधार पर भेदभाव गुब्बारे की तरह नहीं करनी चाहिए। हम लोग को सब ने सब जिसको जिन्होंने बनाया है वो सब बराबर बनाया है। हम लोग ने सामाजिक दृष्टिकोण से एक दूसरे को के बीच में बंटवारे किए हैं जो उचित नहीं है। बिहार यूपी या नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत भारतीय एरिया में जो ये मेरे ख्याल से प्रकोप है, इसको बहुत कम करने की आवश्यकता है। और वो स्टार्ट होता है आप खुद से। जब तक आपके सोच में ये परिवर्तन नहीं होगा, जब तक आप हॉस्टल्स में जहां रहते हैं वहां हर जाति के लोग के बीच में नहीं रहेंगे, तब तक आपका बुनियादी जो सोच है वो ठीक नहीं होगा। तो इस पर भी एक पहल करने की आवश्यकता है। मैंने बताया कि मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठता हूं, मेरा दिनचर्या 4 बजे शुरू होता है और वो 10:15 तक चलता रहता है। मैं कम से कम दिन में 12 घंटा ऑफिस का तो नहीं लेकिन मेहनत का काम करता हूं, 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा ऑफिस और 3-4 घंटा पढ़ाई उसके लिए। लेकिन मैं ऑफिस से, लोग बोलते फाइल वगैरह है, फाइल में घर नहीं आता हूं। ये काम के मैनेजमेंट का तरीका है कि आप फाइल्स घर में नहीं लाओ। जो चीज सरकारी प्रॉपर्टी है वो सरकारी कार्यालय में ही रहनी चाहिए, घर में नहीं आनी चाहिए। घर में परिवार बच्चे उनका जगह है। तो इससे एक चीज समझने की बहुत आवश्यकता है, सेल्फ डिसिप्लिन, अपने दिनचर्या को ऐसा ऑर्गेनाइज कीजिए कि आपके पास अधिक से अधिक समय हो जिसमें 12 घंटा आपको निश्चित रूप से पढ़ाई करनी है। अगर आप अभी भी स्टूडेंट हैं तो आप कुछ भी और करते हो, अगर आप 12 घंटा पढ़ नहीं सकते हैं तो आप मेरी तरह यहां इस पोडियम आकर कभी भी लेक्चर नहीं दे पाएंगे। ये अलग ही बात, मैं आपको बता देता हूं, मैं जब पढ़ाई करता था तो 15-16 घंटा पढ़ता था, 1.5-2 साल 15-16 घंटा लगातार पढ़ता रहा, तब आज आपकी समझ आकर अपने अनुभव का बयान करने का मौका मिला है। जब मैं जिला में जिलाधिकारी रहता हूं, कलेक्टर रहता हूं, डीएम रहता हूं, 18-20 घंटा काम करता हूं, क्योंकि मुझे पता है जिस तरह से मैं काम करता हूं मेरे काम करने का जो अवधि है वो कम होगा। मैं किसी भी जिले में 6 महीने ज्यादा नहीं रहा हूं। 2 जिला मैंने किया है, दोनों में 6 महीने से कम रहा हूं। यहाँ के जिलाधिकारी 3-3 साल डीएम बन के रह सकते हैं। रांची का डीएम सभी बात किए थे, गए थे रांची पिछले सप्ताह, 3 साल से वो डीएम बैठे हुए हैं। रांची का जो हाल हुआ मैंने सब जब जाहिर है। लेकिन मैं किसी और के असफलता पर या कार्यकाल पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं ये बोलना चाहता हूं, मेरा ये विश्वास है कि अगर हम अपने 24 घंटा में से अधिक समय अपने कर्तव्य के लिए निकालें, तभी हम उस मुकाम पर पहुंच पाएंगे जिसके लिए हम सपना देखते हैं। एक जाहिर सी बात है, आप पूछेंगे सर आपका क्या सपना है। मैं इस मामले में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं कि उन्होंने बिहार और बिहारी को एक हंसी
मुद्दा या हीन भावना से देखने की एक चीज से उठाकर वार कर अब एक रीजनेबल इज्जत की का इमेज उन्होंने बनाने की कोशिश किया है, बहुत हद तक वो सफल रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति से समाज नहीं बदलता है। समाज बदलता अगर है तो समाज के जो युवक हैं, नव युवक हैं और नव युवतियां हैं, जो यहाँ कोई नहीं है, नव युवक जो है आप लोग जब तक ये दृढ़ संकल्प नहीं करेंगे कि आपको बिहार को बदलना है, आप जहां जहां से जिस गांव से जिस जिला से आते हैं उसको बदलना है, और जहां भी आप जाए बिहारी को एक कलम के रूप में नहीं ये होने दें, गलत काम नहीं करें। वो कैसे संभव है? एक हमारी बहुत बड़ी कमजोरी अंग्रेजी है, अंग्रेजी बोलने की शक्ति है। आप मेरे अंग्रेजी उच्चारण से ये कभी या हिंदी उच्चारण से ये कभी पता लगा पाएंगे कि मैं बिहार का रहने वाला हूं? एक तो मेरा नाम ऐसा है, मैं जो बोलता हूं आपको कभी नहीं समझ पाए। अधिकांश लोग मुझे साउथ इंडियन बैंगलोर या तमिलनाडु को समझते थे जब तक मुझे मेरे से परिचय नहीं हुआ था, लेकिन मैं आपको बोलता हूं, मैं गर्व से बोलता हूं कि मैं बिहार का हूं। इसमें सबसे ज्यादा योगदान है अंग्रेजी भाषा शुद्ध रूप से बोलने का, हिंदी भाषा भी स श र ये शुद्ध रूप से बोलने का। तो आप जब तक इस भाषा को कमाल नहीं कीजिएगा तब तक आप में बिहारीपन की या बिहारी होने का टैग जो है वो लगा रहेगा। किसी भी समुदाय में कहीं भी आप फंक्शन जाइएगा, आप चार बातें बोलिएगा, आप बोलेंगे नहीं यार ये लड़का बिहार का है, ये लड़की बिहार की। तो सबसे इंपॉर्टेंट आज अगर हम आपको एक संदेश देना चाहते हैं जो आप लेके जाएंगे वो है आप अपने बीच में अंग्रेजी बोलने का प्रैक्टिस कीजिए और सही अंग्रेजी बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। हमको बुला लेंगे, ये बुला लेंगे मैंने कुछ और कहा था। अगर आपको आज के दुनिया में तरक्की करनी है हमारी मातृभाषा के साथ साथ जो अंग्रेजों ने जो दी है ये भाषा, क्योंकि ये विश्व भाषा के रूप में प्रचलित है, इसलिए आप सभी को अंग्रेजी अच्छी बोलनी चाहिए, बोलना चाहिए और उसका शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। ये तो एक हुआ। और इसमें टाइटल परिवार और कोई भी का कहीं भी कंडीशन नहीं है, हस्तक्षेप नहीं है कि आप दूसरा भाषा नहीं सीख सकते हैं। मेरा ये कहना है कि हम हिंदी हैं, हम हिंदी के लोग हैं, हमें हिंदी अच्छी आनी ही चाहिए, लेकिन साथ साथ दुनिया के अग्रणी राष्ट्रों के साथ चलने के लिए हमें अंग्रेजी पर कमाल होना चाहिए। और जो भी व्यक्ति अगर इस मूल धारणा को के विपरीत चलता है वो बहुत दूर नहीं जाएगा। बहुत लोगों ने कोशिश किया, ऐसा नहीं है, बहुत हमारे राजनीति में लोग ने विभिन्न स्कूलों में विभिन्न राज्यों में इन अंग्रेजी को नॉट कंपल्सरी बना दिया, ऑप्शन बना दिया, सब जगह आज उसका खमियाजा वो भुगत रहे हैं वहां के लोग।